दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार नकुल और महारथी कर्ण का युद्ध होता है, और युद्ध बहुत ही भयंकर होता है, लेकिन कर्ण नकुल को पराजित कर देते हैं, और किस प्रकार उनके मध्य वार्तालाप और ये सारा युद्ध का वर्णन होता है। ये सब जानने के लिए आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि ये वीडियो हमने महाभारत कर्ण पर्व के अंतर्गत 24वें अध्याय से ली गई है। संजय कहते हैं, राजन, मेघों द्वारा ढक जाने पर सूर्य और चंद्रमा दिखाई नहीं देते, उसी प्रकार बाण निर्मित भवन में प्रविष्ट हुए उन दोनों वीर महारथी कर्ण और नकुल पर किसी की दृष्टि नहीं पड़ती थी। तत्पश्चात क्रोध में भरे हुए कर्ण ने रणभूमि में अत्यंत भयंकर स्वरूप प्रकट करके चारों ओर से बाणों की वर्षा द्वारा पांडुपुत्र नकुल को ढक दिया। महाराज, सुतपुत्र के द्वारा अत्यंत आच्छान्न किए जाने पर भी बादलों से ढके हुए सूर्य के समान नकुल ने अपने मन में बिल्कुल भी व्यथा का अनुभव नहीं किया। मान्यवर, तत्पश्चात सुतपुत्र ने बड़े जोर से हंसकर पुनः सम्रांगण में बाणों का जाल बिछा दिया। उसने सैकड़ों और हजारों बाण चलाए। उस महामनस्वी वीर के गिरते हुए उत्तम बाणों से गिर जाने के कारण वहाँ सब कुछ एकमात्र अंधकार में निमग्न हो गया। ठीक उसी तरह जैसे बादलों की घोर घटा गिराने पर सब और अंधेरा छा जाता है। महाराज, तदनंतर हस्त हुए से कर्ण ने महामना नकुल का धनुष काटकर उसके सारथी को रथ की बैठक से मार गिराया। भारत फिर चार तीखे बाणों से उनके चारों घोड़ों को भी तुरंत ही यमराज के घर भेज दिया। मान्यवर, इसके बाद उसने अपने बाणों द्वारा नकुल के उस दिव्य रथ को तिल तिल करके काट दिया और पताका, चक्र रक्षकों, गदा एवं खड़ग को भी छिन्न भिन्न कर दिया। साथ ही 100 चंद्रकार सेनों से सुशोभित उनकी ढाल तथा अन्य सब उपकरणों को भी नष्ट कर दिया। प्रजापालक नरेश, घोड़े, रथ और कवच के नष्ट हो जाने पर नकुल तुरंत उस रथ से उतरकर हाथ में परिघ लिए खड़े हो गए। राजन, उनके उठे हुए उस महाभयंकर परिघ को सुतपुत्र ने अत्यंत तीखे तथा दुष्कर कार्यों को सिद्ध करने वाले बाणों द्वारा काट डाला। उन्हें अस्त्र शस्त्रों से हीन देकर कर्ण ने झुकी हुई गांठ वाले बहुसंख्यक बाणों द्वारा और भी घायल कर दिया, परंतु उन्हें घातक पीड़ा नहीं दी। अत्यंत बलवान तथा अस्त्र विद्या के विद्वान कर्ण के द्वारा सम्रांगण में हाथों सहसा नकुल भाग चले। उस समय उनकी सारी इंद्रियां व्याकुल हो रही थी। भारत, राधा पुत्र कर्ण ने बारम्बार हंसते हुए उनका पीछा करके उनके गले में प्रत्यंचा सहित अपना धनुष डाल दिया। राजन, कंठ में पड़े हुए उस महाधनुष से युक्त नकुल ऐसी शोभा पाने लगे मानो आकाश में चंद्रमा पर घेरा पड़ गया हो, अथवा कोई श्याम मेघ इंद्रधनुष से सुशोभित हो रहा हो। उस समय कर्ण ने नकुल से कहा, पांडु कुमार, तुमने व्यर्थ ही बड़बड़ कर बातें बनाई थी। अब इस समय बारंबार मेरे बाणों की मार खाकर पुनः उसी हर्ष के साथ तुम वैसे ही बातें करो तो सही। बलवान कौरव योद्धाओं के साथ आज से युद्ध न करना, तात जो तुम्हारे समान हो उन्हीं के साथ युद्ध किया करो। माद्री कुमार, लज्जित न हो, इच्छा हो तो घर चले जाओ, अथवा जहाँ श्री कृष्ण और अर्जुन हो वहीं भाग जाओ। महाराज, ऐसा कहकर उस समय कर्ण ने नकुल को छोड़ दिया। राजन, यद्यपि नकुल वध के योग्य अवस्था में आ पहुँचे थे, तो भी कुंती को दिए हुए वचन को याद करके धर्मज्ञ वीर कर्ण ने उस समय उन्हें मारा नहीं, जीवित छोड़ दिया। नरेश्वर, धनुर्धर सुतपुत्र के छोड़ देने पर पांडु कुमार नकुल लजाते हुए से वहाँ से युधिष्ठिर के रथ के पास चले गए। सुतपुत्र के द्वारा सताए हुए नकुल दुख से संतप्त हो खड़े में बंद सर्प के समान दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए युधिष्ठिर के रथ पर चढ़ गए। इस प्रकार नकुल को पराजित करके कर्ण भी चंद्रमा के समान श्वेत रंग वाले घोड़ों और ऊंची पताकाओं से युक्त रथ के द्वारा तुरंत ही पांचालों की ओर चला गया। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का अगला भाग भी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके लिए अगला भाग जरूर बनाएंगे, जिसमें हम जानेंगे किस प्रकार कर्ण ने पांचालों को पराजित किया। तो फिर बस, इस वीडियो में इतना ही।